नमस्कार, मैं सचिन यादव आपका स्वागत करता हूँ चित्र चर्चा शो में। एक लंबा अरसा हो गया आप लोगों से जुड़े हुए, और आज हम लोग एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है सेवा नीति, राजनीति की बदलती परिभाषा। इसमें इस कार्यक्रम को लाने का हमारा जो प्रयास है वो यही है कि आज के क्षेत्र में, आज के युग में जितने भी राजनीतिज्ञ आ रहे हैं वो पारंपरिक राजनीति से अलग है। पहले की राजनीति में आपको दिखता होगा कि खादीधारी और सामान्य कम बोलने वाले लोग या बहुत अधिक बोलने वाले लोग राजनीति में आते थे। बहुत कम मुश्किल से देखने को मिलता था कि किसानों के बैकग्राउंड से कोई ऐसा नेता हो या कोई वाणिज्य के क्षेत्र से कोई नेता हो। इस प्रकार के नेता हमें कम देखने को मिलते थे, पर अभी हम देख पा रहे हैं कि इस प्रकार के नेता लगातार राजनीति को बदलने के लिए आ रहे हैं। आज हमारे कार्यक्रम में जो मेहमान शिरकत कर रहे हैं उनका नाम है श्रीमान नारायण बेनीवाल जी। नारायण बेनीवाल जी का संक्षिप्त समय परिचय दूं आपको, उसके बाद मैं आपको उनके सामने रखूंगा। नारायण बेनीवाल जी खिमसर से विधायक हैं। खिमसर एक विधानसभा क्षेत्र जहाँ एक जाति बाहुल्य का मत है, पर यहाँ नारायण बेनीवाल जी को उनकी ईमानदारी, उनके काम का, उनके क्षेत्र का केवल इसी वजह से सहयोग मिला क्योंकि उनकी आत्मा शुद्ध थी। उन्होंने जनता की सेवा करने का जो निर्णय लिया उस सेवा नीति के आधार पर वो चुने गए, और हम आपसे प्रयास करेंगे कि इसी प्रकार के लोगों को हम आपसे इसमें कार्यक्रम में मिलाएं। मैं आपके सामने स्क्रीन पर अगले जो आप स्क्रीन के दो हिस्से होंगे तो उसमें दूसरा हिस्सा जो दिखेगा वो श्री नारायण बेनीवाल जी दिखेंगे। नारायण जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नमस्कार, सबसे पहले तो कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया जी। आपका स्वागत है हमारे शो में जिसका नाम है सेवा नीति, राजनीति की बदलती परिभाषा। और हमें गर्व है कि आपने राजनीति की जो पारंपरिक परिभाषा है उसको बदलने का कार्य किया है। मैं आशा करता हूँ कि ईश्वर आपको आपके इस प्रयास में और सफल करे। आप पहले से ही सफल हैं। आप जिस प्रकार से खिमसर विधानसभा क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं पिछले कुछ समय से, और उसके अलावा आपका एक जी पुराना इतिहास भी रहा है सेवा का, जो बाबूजी से आपको मिला और फिर आपके बड़े भाई साहब, और फिर अब आप उस परंपरा को आगे बढ़ाते हुए लेकर जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करते हुए आपसे जानना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में राजनीति को लेकर आपकी क्या परिभाषाएं हैं जो आप देते हैं राजनीति को, परिभाषा की राजनीति क्या है? देखिए, राजनीति ने धीरे धीरे बहुत बड़ी करवट भी ली है। राजनीति पहले कुछ लोगों का एक कुछ लोग जो एक राजनीतिक परिवार हुआ करते थे, जी जिनमें सेवा की भावना कम थी, लेकिन उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ठप्पा था, राज परिवार। राजपरिवार, या वो जब पैदा होते थे तो ऐसा सोचते थे कि हम जैसे हम तो कोई लीडर बाई बोर्न, इसको हम कहेंगे लीडर बाई बोर्न, वो ये जरूर सोचते थे कि हम तो एमएल एमपी जरूर बनेंगे क्योंकि हमने इस परिवार में जन्म लिया है। ये पहले की राजनीति की एक लोगों की सोच थी, लेकिन अब धीरे धीरे क्योंकि लोगों के अंदर जागृति भी आई है, हर जो नौजवान है या जो गांव में दूर बैठा किसान भी है, वो भी अब नित नए प्रयोग, यही कहूंगा मैं इसको, नवाचार जो राजनीति के अंदर, ये नवाचार जो सेवा का जो है ये बिल्कुल नवाचार है। जिन जिन लोगों ने सेवा के माध्यम से जिन्होंने राजनीति में प्रवेश किया है, वो लोग राजनीति में अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों को महत्व दे रहे हैं और उसी के फलस्वरूप आगे बढ़े हैं। इसके लिए मैं बड़े बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल का आपको उदाहरण दूंगा कि छात्र राजनीति से लेके सड़क से लेके और विधानसभा और अब लोकसभा तक आप जिस बेबाकी से वो अपनी बात रखते हैं, इसका मतलब अंदर से इतने मजबूत है कि उन्होंने अपने अधिकारों से अपने कर्तव्यों को हमेशा ऊपर समझा और इसी के फलस्वरूप वो आज इस मुकाम पर पहुंचे। निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदमी को यदि उसका मन साफ हो और उसके इरादे अगर सफल हो, इरादे अगर साफ हो पानी की तरह, तो फिर उसे किसी से भय नहीं होना चाहिए। और वो हमें हनुमान बेनीवाल जी को जब हम सुनते हैं, जब आपको सुनते हैं, तो वो झलकती है वो चीज़ जो आप कह रहे हैं। और जो आप राजनेताओं की बात कर रहे थे, जैसे कुछ राजनेता ऐसे हैं जो मुंह में चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो उनका जो जमीनी लेवल का संघर्ष है वो उन लोगों को नहीं देखना पड़ता। जैसे हम लोग कहते भी हैं कि पैराशूट जो प्रत्याशी उतार दिए जाते हैं वो इसी प्रकार के प्रत्याशी होते हैं जिनको समाज से, जिनका लिंक नहीं होता है।
आपको कितना समय लगा अभी समाज से जुड़ने में, क्योंकि आपके भाई साहब तो काफी समय से राजनीति में हैं और एक्टिवली भी थे, आप पूरा पीछे से उनको सपोर्ट कर रहे थे जो ग्राउंड लेवल का काम था, तो अभी एकदम से आपको जब फेस बनना पड़ा तो उस समय क्या परिस्थितियां थी? देखिए, मैंने सेवा को हमेशा सर्वोत्तम वस्तु माना, और चूंकि मैं एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति भी हूँ, गीता के अंदर लिखा है अच्छा कर्म करे जाओ आप तो फल निश्चित रूप से आपको मिलेगा। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा कि एकाएक ऐसा कि मुझे राजनीति में उतरना भी पड़ेगा। मैंने हमेशा छात्र राजनीति में मैं हनुमान जी भाई साहब का जूनियर रहा, चाहे वो स्कूल हो, पहले महावीर स्कूल में वो मेरे सीनियर होते थे, फिर राजस्थान विश्वविद्यालय में मेरे सीनियर थे, और उसके बाद हमेशा हम दोनों भाइयों ने मिलके और एक नई जो सेवा नीति की जो यदि हम बात करें वो हमारे रग रग के अंदर, हमारे खून के अंदर है। मेरे पिताजी जो आजीवन सरपंच के पद पर रहे और सहकारिता आंदोलन में वो बहुत गहराई से, आज जैसे सरकार ने सहकार मंत्रालय देश के अंदर बना, मेरे पिताजी हमेशा एक चीज कहते थे कि बेटा जब तक सहकारिता के तंत्र को हम मजबूत नहीं करेंगे तब तक आम किसान और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के साथ न्याय की बात यदि हम करते हैं तो वो बेमानी है। तो हमें सहकारी तंत्र को हमें मजबूत बनाना पड़ेगा, ये उनकी उस टाइम की सोच थी। और सेवा के फलस्वरूप भी मेरे पिताजी सन 77 के अंदर जब परिसीमन के अंदर नागौर जिले में मुंडवा विधानसभा क्षेत्र नई बनी, उसमें सबसे पहले विधायक मेरे पिताजी थे स्वर्गीय रामदेव जी चौधरी, और उनसे ही हमें नैतिकता की राजनीति जो है, जो अधिकतर मैं ही कहूंगा कि कहीं ना कहीं राजनीति के अंदर भी सोच में कई लोगों की गिरावट भी निश्चित रूप से आई है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा जो है इसके अंदर नैतिक पतन भी कई कई जगह हमें देखने को मिलता है। ये बड़ा लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत मैं तो नहीं मानता व्यक्तिगत तौर पर। उसके बाद हनुमान जी ने जो पिताजी के जो नक्शे कदम पे वो चले, चाहे वो छात्र जीवन की राजनीति हो, और उसके बाद जब वो आम राजनीति के अंदर जब आए, मैं शुरू से ही जब मैंने महावीर स्कूल से अपनी 9वीं और 10वीं की परीक्षा जब पास की, उसके बाद क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट था वो बायोलॉजी था, तो महावीर जैन दिगंबर जैन जो स्कूल थी उसके अंदर बायोलॉजी सब्जेक्ट हुआ नहीं करता था। तब मैंने मैसूरी स्कूल में पढ़ाई की, उसके बाद महाराजा से मैंने बीएससी बायोलॉजी के अंदर किया, और फिर पोदार इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से मैंने एमबीए की पढ़ाई भी की। अच्छा लिखता भी था मैं, जब भाई साहब, मुझे एक वाक्य याद है कि जब भाई साहब 2003 का चुनाव हार गए थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उस टाइम टिकट इनको दिया था लेकिन ये समय पे पर्चा कहीं टेक्निकली कारण डाक भर नहीं पाए, मेरे पिताजी का जब निधन हो गया था। उसके बाद 2005 के अंदर जब एक दीपावली का विशेषांक दैनिक भास्कर के अंदर प्रकाशित हुआ था, तो मुझे ये कहा गया कि आप ये फुल पेज के अंदर भाई साहब की जो उपलब्धियां हैं या भाई साहब का जो व्यक्तित्व है उस पर आप लिखो। तब वो मुझे आज भी जब भी हम उन लोगों के साथ, उनका जो संवाद संपादकीय जो लिखते हैं उनके साथ में कहीं मुलाकात मेरी होती है तो वो बताते हैं, मैंने पहले ही शब्द में लिखा भाई साहब के लिए कि हम दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है कि जिस तरफ निकलेंगे रास्ता बना लेंगे। आज भाई साहब जिस हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, मैं कहता हूँ विरले ही ऐसे लोग हैं जो इतने मतलब मजबूत इरादों से, आपने भी देखा जब राष्ट्रवाद की बात आई तब सब लोगों की इच्छा थी कि मोदी जी के साथ आरएलपी का गठबंधन हो, और ये परम सौभाग्य है राजस्थान की जनता का कि किसान के बेटे ने सबसे पहले देश के आजादी के 73 साल के बाद एक किसान के बेटे ने एक राजनीतिक पार्टी बनाई, और राजस्थान के अंदर पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी को स्थानीय पार्टी की मान्यता मिली चुनाव आयोग से। ये कोई छोटी बात नहीं है एक किसान परिवार में जन्मे व्यक्ति के, लेकिन इरादे इनके बहुत ऊंचे हैं, और मैं तो परमपिता परमेश्वर से ये हमेशा आशा भी रखता हूँ, और मैं दृढ़ निश्चय भी इस बात को लेकर मैं दृढ़ निश्चित हूँ कि एक दिन वो जो मुकाम उन्होंने सोचा है वो ये सोचते हैं कि जहाँ नीतियां जहाँ बनती है वहाँ किसान का बेटा पहुंचे, और जिस दिन हम नीति निर्धारक जो जहाँ नीतियों का निर्धारण होता है वह हमारे लोग पहुंचेंगे जिन उनके हाथों में कलम होगी, तो निश्चित रूप से किसान का और समाज में बैठे अंतिम छोर पे बैठे व्यक्ति का भला उसी दिन हो सकेगा।
बिल्कुल, और आपने सही कहा कि जब तक कानून लिखने वालों के बीच में किसान नहीं बैठेगा, जब तक हमारी लेखनी वहां नहीं पहुंचेगी, तब तक हमारी बात भी वहां नहीं पहुंचेगी। और ये बात मैं पहले भी हमारे शो में 2-3 बार हो चुकी है, तो मैंने कहा भी है कि अब तक यही देखा गया है कि किसानों के साथ में या किसानों के हक में जो भी कानून बने हैं या जो बनाए जाते हैं, उन्हें एसी चैम्बर में बैठकर वो लोग लिखते हैं जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया है। वो किसान नहीं लिखता जो खेत में हल जोत रहा होता है, तो उसे पता होता है कि उस खाद्य की क्या वैल्यू है। और इसीलिए जरूरी है कि हमारे बीच में से कोई ये किसान निकले, और वो आपने बेनीवाल जी ने जो किया है वो काबिले तारीफ। और ये भी गौर करने वाली बात है कि पहली बार में जो आपने कहा कि स्थानीय पार्टी का जो तमगा मिला आप लोगों को, और एक तरीके से तीसरा मोर्चा जिसको हम लोग कह सकते हैं, अगर आने वाले भविष्य में ईश्वर की कृपा रही और आप लोगों की मेहनत और जनता का प्रेम आपको मिला, तो ये थर्ड फ्रंट जो है वो फर्स्ट फ्रंट में कन्वर्ट होने वाला है थोड़े दिनों में। मैं अभी मैंने वर्तमान की बात की, मैं थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा कि शुरुआती दिनों के बारे में बताइए। आपके बाबूजी का जो संस्कार था उसके बारे में, आपकी स्कूलिंग कैसे हुई, परिवार में किस तरीके का पालन पोषण, किस तरीके के संस्कार मिले, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, 77 में मेरे पिताजी जब सबसे पहले विधायक बने जी और उसके बाद 85 के अंदर फिर राजस्थान विधानसभा के सदस्य चुने गए, उन्होंने हमारे नागौर ही नहीं बल्कि मारवाड़ में जो मिर्जा परिवार जो राजनीतिक रूप से सबसे बड़े लीडरशिप जिनको मैं कहूंगा, जी एक जो राजनीति की असली जो राजनीति थी, क्योंकि मिर्जाओं का सबसे पहले मारवाड़ के अंदर बोलबाला था कि बलदेव राम जी ने किसानों की सेवा की और उसके बाद नाथूराम जी मिर्जा ने भी किसानों को साथ लेकर चलने का प्रयास किया। फिर उसके बाद उन पे सिर्फ एक, जैसे मैं ये कहूंगा, जैसे राजा का बेटा राजा होता है वैसी सोच उन लोगों ने अपने दिमाग के अंदर विकसित की। और हरिंदर जी मिर्जा जो मेरे पिताजी के सामने जिन्होंने चुनाव लड़ा था 85 85 के अंदर, तो मेरे पिताजी 85 के अंदर विजय हुए, हरिंदर जी मिर्जा को उन्होंने हराया था। उसके बाद चूंकि सरपंच का जो पद था उसको एक लाभ का पद नहीं मानते थे, तो वो सरपंच भी रहते थे, वो पंचायती राज की मजबूती के भी हमेशा सन जब 59 के अंदर सबसे पहले वो सरपंच चुने गए, जब बिल्कुल युवा अवस्था से पढ़ाई करके जस्ट वो बालिग हुए उसी टाइम वो सरपंच चुने गए थे। उस टाइम 9-10 गांव, बहुत बड़ी ग्राम पंचायतें होती थी उस टाइम, अब तो ग्राम पंचायतें छोटी छोटी होती है। उसके बाद 88 में मेरे बड़े भाई साहब स्वर्गीय राम प्रसाद जी जो हैं वो सरपंच, 2 बार वो भी सरपंच रहे, मेरी माता जी भी 2 बार सरपंच रही। हमारा परिवार जो है उसमें जो सेवा की भावना कूट कूट के भरी हुई है, और आज नागौर जिले के लिए एक गौरव की बात है कि एक किसान का बेटा, जिन्होंने किसानों ने इतना प्यार प्रेम हम लोगों को दिया कि आज न केवल राजस्थान की विधानसभा बल्कि संसद में भी एक किसान के बेटे की आवाज हमेशा गूंजती रहती है। हम भी ईमानदारी से प्रयास करते हैं, क्योंकि अब राजनीति की बात यदि हम ईमानदारी से करें तो केदारनाथ सिंह जी ने सही लिखा था कि चुप्पियां बढ़ती जा रही है उन सारी जगहों पर जहां बोलना जरूरी था। लगभग लोगों को हम देखते हैं कि देख के और बाईपास कर देना, आज छोटी छोटी योजनाओं में लोग जो तकलीफ पा रहे हैं, लेकिन पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर जब आदमी बन जाता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, एक पार्टी की गाइडलाइन जो है वो, चाहे आप अब ऑटोक्रेटिक टाइप के लीडर जो है वो इन बड़ी पार्टियों के अंदर पैदा होने लगे। पहले व्यक्ति का समाज बहुत होता था कि जो राष्ट्रीय दल का जो नेता होता था वो एक धरातल पे जो एकदम गांव के अंदर जो व्यक्ति एक मतदाता है, जो कार्यकर्ता है, जो रीढ़ है, जो जड़ है उस पार्टी की, उसको कभी बाईपास नहीं करता था, उसकी बात सुनता, सारा फीडबैक लेके और नीतियां जो है वो वहां से बढ़ाने का एक प्रयास वो जरूर करते थे। लेकिन अब आप देख रहे हो कि कार्यकर्ताओं की कौन सुनने वाला है। हनुमान जी भी पहले भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहे, लेकिन मैं आपको बताऊं एक वाकया कि जब 2008 के अंदर हनुमान जी भारतीय जनता पार्टी से जब विधायक चुने गए और विधायक दल की बैठक के अंदर जब ये कहा गया, सब लोग जब सारे जो विधायक चुन के जो आए थे, तब ये बात हुई कि भ्रष्टाचार पे हमें अंकुश कैसे लगाना है पार्टी, इसके बारे में हमें रीति नीति बनानी। तब भाई साहब ने एक शब्द ये कहा कि आप जब भ्रष्टाचार की देवी जिनपे 25,000 करोड़ का
जो भ्रष्टाचार का आरोप अब माननीय जो जो तत्कालीन जो विधानसभा अध्यक्ष कैलाश जी मेघवाल जैसे व्यक्ति ने जो अखबारों की फ्रंटलाइन थी इंडिया टुडे माया और जो बड़ी बड़ी मैगजीन्स और नेशनल इंटरनेशनल जो थी उसके अंदर कैलाश जी मेघवाल का बहुत बड़ा इंटरव्यू छपा था कि वसुंधरा जी ने 25,000 करोड़ का घोटाला किया। ये कोई छोटी बात नहीं थी उस टाइम की। तब हनुमान जी ने यह कहा कि हम सब लोग मिलकर कैसे भ्रष्टाचार को रोकेंगे जब भ्रष्टाचार को जन्म देने वाले लोग जो हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक में मौजूद है और ये अखबारों के अंदर छपा सुर्खियां बनी और अंततः ये हुआ कि हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल से निलंबित कर दिया। लेकिन उन्होंने अपना रूप नहीं बदला। वो कहते आज भी कहते हो कि मैंने जो कह दिया ना वो सही है, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। और आजकल लोगों को क्या थोड़ा जो सही, ये हमारे बुजुर्ग भी कहते थे कि सही कहोगे ना तो लोग नाराज भी होंगे आपसे, आप परिवार में भी सही कह के देख लो, समाज में सही कह के देख लो। आप आदमी जो ज्यादा झूठ बोलेगा और जो उसको वे ऑफ जो आर्ट जो है ना बेस्ट वे ऑफ डूइंग मतलब आर्टिस्ट हो गया, झूठ बोलने का कलाकार हो गया आज राजनीति के अंदर भी बहुत से लोग। और वही लोग हमारे जयपुर के बनेत सिंह जी हैं जो कि हमारे रेगुलर दर्शक हैं, वो उनका प्रेम स्नेह हमें मिलता रहता है। उनका कमेंट आया है स्क्रीन पर, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। उन्होंने लिखा है कि किसान को आप दोनों भाइयों पर गर्व करती है, उससे ज्यादा आपसे आस भी लगा रखी है। तो धन्यवाद है बनेत सिंह, बहुत अच्छा आपने, आप लोगों का जो यदि प्यार प्रेम ऐसे ही रहा तो निश्चित रूप से आपको भरोसा है दिला रहे हैं कि आप लोगों को धोखा नहीं देंगे। किसान कौम के जो भी भाई बंधु जुड़े हुए हैं आज की जो इस परिचर्चा से, हम ईमानदारी से ये पूरा प्रयत्न करेंगे कि हमारे जो कर्तव्य है और हमारे हमारे जो आप अपेक्षाएं जो रखते हैं उचित अपेक्षाएं उन पे खरा उतरने का ईमानदारी से पूरा पूरा प्रयास दोनों भाई हमेशा करते आए और आगे भी आपको भरोसा दिला रहे हैं कि हमेशा आप लोगों के मान स्वाभिमान के लिए हम हमेशा आगे लड़ते रहेंगे। इसी प्रकार राजस्थान जाट महासभा से जय दयाल सिंह मान जी हैं, वो भी आपके लिए कह रहे हैं कि वी ऑल हैव टू सपोर्ट फार्मर्स। देखिए फार्मर्स जो है कितना बड़ा शब्द है, किसान, जब किसान सब जब जहाँ आता ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं हमारे तो। और हम तो ये कोशिश ये करते हैं कि किसान जो है वो इस राजनीति की मुख्य धारा के अंदर, और मैं ये कहूंगा जहाँ नीतियां बने, अभी मैंने सबसे पहले ये बात की कि किसान और जवान जिस दिन इस प्रदेश का देश का जग गया उस दिन ये राजनीति जो है ना वो अपने आप ही सेवा नीति में बदल जाएगी। फिर ये जो जो एक वाक्पटुता से जो सिर्फ वाक्पटुता से जो जो राजनीति कर रहे हैं जिनके दिल में कुछ होता है वो पहले दिल की बात को दिमाग में ले जाएंगे और फिर जुबान पे लाएंगे बिल्कुल फिल्टर करके, ऐसे लोग नहीं। फिर तो दिल में जो बात आई वो सट जुबान में आ गई और आपका दिमाग को आपको सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, जो मन में है सहज हृदय के लोग जो है। देखिए किसान परिवार के जो 36 कौम के लोग जो किसानी करते हैं वो आज भी सह बहुत ही सहज हृदय के लोग हैं, जो बात बोलते हैं उसे मुकरते नहीं, सच बोलते हैं और अपने कर्तव्यों पे हमेशा वो ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज जो सिस्टम जो बदला, सिस्टम के अंदर अब जो सहज हृदय वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं दुख भी पा रहे हैं, लेकिन भगवान के अगर देर है अंधेर तो है नहीं, ये भी हमारे गीता और धार्मिक शास्त्र में लिखा है। लेकिन उन्होंने जो अच्छा जो जो सोच अच्छी रखता है वो निश्चित रूप से विकास के अंदर आगे बढ़ेगा। बिल्कुल नारायण जी, आप गीता की बात बार बार कर रहे हैं, तुम्हें भी गीता का एक कोट है जिसमें ये कहा गया है कि आदमी का एक बार किया हुआ कर्म तब तक समाप्त नहीं होता जब तक वो उसका फल नहीं दे देता। आप लोग जो राजस्थान की धरती में जो बीज बो रहे हैं ईमानदारी का, स्वाभिमानी का, निष्पक्षवादिता का, ये जरूर फलित होगा एक ना एक दिन, इसे दुनिया देखेगी। हालांकि अभी मानने लग गए हैं लोग किसानों को आगे ला रहे हैं, उनकी बात भी सुन रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं कि उसका प्रयास जो आप लोग कर रहे हैं उसमें सफल भी हो रहे हैं। इसके साथ अब मैं बातचीत को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आपके फिर से बचपन की बात करूँगा कि बचपन में किस तरीके का माहौल रहा राजनीति से इतर, क्योंकि ये जो हमारी चर्चा है ये चित्त चर्चा है, यहाँ मन की बात हो, तो वो बचपन के बारे में कुछ बताइए कि भाई साहब जैसे अभी तो आप दोनों ही नेता हैं, किसान नेता भले ही जमीन से जुड़ा हो लेकिन एक नेतृत्व की भावना होती है कि हमें नेतृत्व करना है, लोगों की समस्या है। अब तो ज्यादा समय आप लोगों का उसी में बीतता है कि कब लोग समस्या के लिए आते हैं। मैंने आपसे जब बात की तो पता चला कि आप लोग जनता के लिए अदालत में बैठे हुए थे। मैं बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ कि बचपन में किस प्रकार का क्या ये नेतृत्व वाला जो क्षमता थी आप लोगों के अंदर वो बचपन से थी या फिर धीरे धीरे आप लोग देखते देखते डेवलप हुए।
देखिए भाई साहब तो बचपन से ही एक नेवर फॉलो द क्राउड, वो हमेशा जो है भीड़ से अलग चलने का, ये उनके अंदर एक नेतृत्व का शुरू से ही रहा है। और चूंकि हमारा बहुत बड़ा परिवार था, हम 7 भाई और 2 बहनों का हमारा बड़ा परिवार था, उसके अलावा हमारे चाचा ताऊ जो भी हैं एक संयुक्त परिवार से हैं, हम लोग आगे पले बड़े आगे बढ़े। और 8वीं तक की हमारी जो शिक्षा है वो गांव के एक छोटे से स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बरणगांव में हम लोगों ने 8वीं क्लास उत्तीर्ण की। और वो तो बचपन के अंदर तो देखिए वो जिस जिस हिसाब से कवि सुमित्रा ये कुमारी जी ने बातें कहा ने साथ में है बताइए था कि हम न लोगों के कोई जो चिंता थी न कोई फिक्र थी, और न ऐसा कभी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की बातें सोचे। तो बचपन तो देखिए, बचपन चाहे गरीब का हो चाहे अमीर का हो, चाहे नेता नेता जो उनके बेटे का हो चाहे एक आईएएस के बेटे का हो, बचपन जो है उसमें तो आपके लगभग इक्वलिटी देखने को मिलती है। हम लोग भी देखते हैं कि कई बार एसपी कलेक्टर के बच्चे भी गाँव में जाते हैं, सबसे पहले रेत में जाके खेलेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल बचपन जो है उसमें के चिंता रहित खेलना खाना वही फिरना निर्वय स्वच्छंद, और कैसे भूला जा सकता है बचपन का अतुलित आनंद। ये हर व्यक्ति के जो है जो बचपन जो है वो लगभग सब लोगों का समान तरीके से गुजरा है। अब चाहे बढ़ के आगे आदमी राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, आईएएस बन जाए, चाहे इसरो में चला जाए, लेकिन बचपन की यदि हम बात करते हैं तो बचपन लगभग समानता है। जो अधिकतर बिल्कुल मैंने जो महसूस किया है सबका बचपन जो होता है वो ये है, कोई चिंता फिक्र कुछ नहीं, कोई ऐसा नहीं कोई प्रतिस्पर्धा करना है, किसकी टांग खींचनी है, किसको आगे बढ़ना है, किसको पीछे धकेलना, ये बातें बचपन में न कभी थी न हमने तो सीखी। बिल्कुल एक सेवा का जज्बा जरूर था कि मेरे पिताजी जब विधायक थे उस टाइम मुझे अच्छी तरह से याद है। अब तो समय ने ऐसी करवट ली, टेक्नोलॉजी का जमाना आ गया। अब तो कोई ट्रांसफर वाला व्यक्ति ये कहता है या कोई गांव के विकास का जो जागरूक लोग है वो ईमेल करते हैं, जी व्हाट्सएप जी पे भेज देते हैं। बिल्कुल पहले जब विकास की बात जो होती थी, चाहे कुआ हो, ट्यूबवेल हो या सड़क का काम हो, तब गांव के 40-50 व्यक्ति इकट्ठे होके और अपने विधायक के पास जाते थे। हमें बहुत अच्छी तरह मुझे याद है कि जब मेरे पिताजी विधायक थे तब गांव के एक एक गांव के 40-40, 50-50 आदमी ट्रैक्टरों ट्रोलियां भर के और गांव में नलकूप खुदवाने या गांव की सड़क का काम कराने के लिए आते थे। और तब और आज की राजनीति के अंदर मैं आपको अंतर बताऊं, तब मेरे माताजी जो हैं उनका बहुत बड़ा योगदान मेरे पिताजी की राजनीति के अंदर रहा, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। और वैसे भी हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि हर सफल पुरुष के पीछे जो है वो स्त्री का हाथ भी होता है। स्त्री चाहे माँ हो, पत्नी हो, जिस बहन हो, कोई भी हो सकती। मेरी रूप में आई बिल्कुल माताजी हमेशा चाहे रात को 12 बजे भी कोई व्यक्ति मेरे पिताजी के पास कोई काम से आता था तो उसको भूखा नहीं जाने देते। वो ये कहती जरूर थी कि आपको खाना तो खा के ही जाना पड़ेगा। और इस चीज से हमने उस सेवा की जो नीति हमारे जो रगों के अंदर है, जो हमने एक लिटरेचर की बात यदि करेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास जो है वो साहित्य से होता है, लिटरेचर से। लिटरेचर मतलब आप क्या पढ़ रहे हो, क्या सुन रहे हो, अपने सराउंडिंग क्या देख रहे हो, क्या वातावरण है उससे उसको लेके। और फिर क्या हम खेती, आज भी खेती करते हैं हम सब लोग, खेती और पशुपालन। पहले जो जितने भी नेता थे उनका खेती और पशुपालन का मुख्य कार्य होता था। और मैं आपको बता दूं और ये प्रूव्ड है कि जो पशुपालन और खेती का काम करते हैं वो लोग सहज हृदय भी होते हैं और दयालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो किसी के दूसरे के कांटा भी यदि कहीं चुभेगा ना तो उसको निकालने का वो प्रयास करेंगे। और किसी की आंख में यदि आंसू दिख गया उनको तो वो यूं सोचेंगे हम हमें चाहे जान देनी पड़े इसके आंसू हमें पहुंच रहे हैं। ये चीजें हमें एक हमारी विरासत से मिली है, हमें संस्कृति जो हमारी रही है और जो हमने जो लिटरेचर पढ़ा देखा सुना और परिवार में जो महसूस किया उसी को लेके आज भी मैं आपको कह रहा हूँ। हनुमान जी को भी कई बार मैं देखता हूँ, वैसे लोग कहते हैं कि हनुमान जी खूंखार बहुत है, लेकिन आपने देखा अक्सर बच्चे जो है छोटे वो कई बार हम जब चर्चा करते हैं तो भाई साहब जरूर कहते हैं कि नारायण यदि बच्चों के वोट लगने शुरू हो जाए तो नागौर जिले के अंदर हम 10 लाख वोट से विजय हो, क्योंकि बच्चे सारे मुझे वोट दें। ये हकीकत बात है। आज भी जब मेरा जब चुनाव था और मैं जब कंपेनिंग में जाता था तो बच्चे नारा लगाते थे कि नारायण जी बेनीवाल जिंदाबाद और हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। मैंने कहा यार आप लोग मेरे जी लगा रहे हो और उनको हनुमान के इसका मतलब लाड़ तो आप प्रेम तो हनुमान जी से ज्यादा करते हो। और ये हकीकत बात है कि बच्चों के अंदर उनकी इतनी पॉपुलरिटी है क्योंकि बच्चा जो है ना वो कोमल होता है। देखो बच्चे को जो चीज दिख रही है
उसी का मान सम्मान करेगा बच्चा, फिर बड़ा होने के बाद वो पार्टी पॉलिटिक्स समाज धर्म सभ्यताएं कई चीजें हो जाती है, लेकिन बच्चे जो है ना वो क्योंकि भगवान का रूप होता है बच्चों के अंदर, और वो हनुमान जी को बहुत लाइक भी करते हैं। और किसान यदि कोई ऐसा व्यक्ति पीड़ित या कोई गरीब व्यक्ति दिख जाए तो उनकी मैं कई बार देखता हूँ इतने संवेदनशील है वो, और उसी का उनको भगवान का आशीर्वाद उनको इसलिए मिला है क्योंकि जो संवेदनशील होकर और सेवा नीति से जो राजनीति करेगा उसको निश्चित रूप से भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद भी मिलता है। और हनुमान जी को सबसे बड़ा जो आशीर्वाद मिलने का जो कारण है वो यही है कि वो हमेशा एक तो बेबाकी से बोलते हैं, और पीड़ित व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो उसके लिए रात को 12 बजे भी उनके दरवाजे भी खुले, और चाहे शासन प्रशासन किसी से लड़ना हो उसके हक और अधिकार के लिए वो हमेशा लड़े और आज भी वो लड़ता है। इसलिए लोगों का प्यार प्रेम और आशीर्वाद हमेशा हनुमान जी पे बना है। बिल्कुल, और नारायण जी आपके नाम के यथार्थ में आपसे जो पूछूंगा वो थोड़ा सा हो सकता है उसमें आप थोड़ा हिचकिचाएं, पर मैं चाहूंगा कि आप ना हिचकिचाएं। आपके अंदर का जो कवि है, जो लेखक है, उसके एक बार थोड़ा सा दर्शन कराइए हमको। सचिन जी समझा नहीं मैं। आपके अंदर का जो कवि लेखक है उसकी जो रचनाएं हैं, हम चाहते हैं कि आप एक कविता सुनाए, एक अलग रूप आए आपका चित्र चर्चा के माध्यम से, हमारे जो दर्शक हैं वो भी देखेंगे। कविताएं सुनाता नहीं हूँ जनरली, जिनको अच्छा अच्छा साहित्य जहाँ मिलता है मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं कई बार इस चीज की चर्चा भी करता हूँ कि ज्ञान जो है ना, मैंने कई बार देखा है कि आप जब प्राइवेट बस स्टैंड पे जाएंगे तो वहां एक माहौल देखने को मिलेगा कि यहाँ आसपास कच्ची दुकानें हैं या बाजार जो है वो अति विकसित नहीं है, अव्यवस्थित है, पुरानी बसें वहां खड़ी मिलेंगी। लेकिन जो हमारे जो देश की जो आत्मा है, जो आज गीता प्रेस गोरखपुर की यदि हमें किताब चाहिए ना तो वो वहां मिलेगी। आप हवाई सफर करोगे ना तो वहां आप चेतन भगत को तो पाओगे, लेकिन सभ्यता और संस्कृति की बातें जो सिखाने वाला जो साहित्य है वो वहां नहीं मिलेगा, और यही दुख का सबसे बड़ा कारण है। मैंने कई बार ये महसूस किया कि आज यदि हम बस में बैठ के यात्रा करते हैं, सारा अनुभव है हमें बस में बैठ के यदि यात्रा करते हैं, कोई पड़ोसी यदि ये कहता है, वो जब भोजन का की पोटली जब खोलेगा या अपना टिफिन खोलेगा तो पास वाले इतना जरूर कहेगा आओ भोजन करें। हमने हवाई यात्राएं भी की है, वहां कोई नहीं पूछता, वो टेढ़ी नजरों से और देखते हैं। ये हकीकत बात है। इसमें सबसे बड़ा कारण जो है वो है आपका जो साहित्य है कि आप क्या पढ़ रहे हो, और इस अंदर का जो व्यक्ति जो है, अंदर का जो व्यक्ति का निर्माण जो है, व्यक्तित्व का जो निर्माण है कि आप आपकी छवि बाहर कैसे जाए, उसके लिए साहित्य बहुत जरूरी है। इसलिए मैं तो कई बार बच्चों को जब भी कहता हूँ कि अच्छा साहित्य भी आप लोग पढ़ा करो, क्योंकि अब क्या है प्रतिस्पर्धा का युग है और अब आर्थिक युग आ गया। अब सबसे बड़ी जो बड़ा जो कारण हुआ कि मान सम्मान जो मिलता है कि सचिन यादव जी जो है वो कौन सी गाड़ी लेके आ रहे हैं, उस चैनल में कितनी तड़क बड़क है, इनका सोशल स्टेटस क्या है, इनका इकोनॉमिकल स्टेटस क्या है, उसके बाद हम सम्मान दें, ये मतलब ये कटु सत्य बात है। इस परिपाटी को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि आज समाज के अंदर मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस भी है कि आप कहीं ना कहीं जो राजनीति की यदि हम बात करते हैं, मैंने तो खुले विचारों का व्यक्ति हूं मैं, और आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर भी मैंने ये बात हमेशा उठाता हूँ कि जीरो टॉलरेंस की, माननीय मुख्यमंत्री जी और सब लोग जो भाषण देते हैं वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं कि भ्रष्टाचार को हमें मिटाना, तो भ्रष्टाचार को मिटाएंगे कैसे आप बताओ, तो भ्रष्टाचार का बटन तो है नहीं। इसके लिए हमें कुछ ऐसी विंग या ऐसी कोई मजबूत कड़ियां जो इस प्रदेश में हमें विकसित करनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा साहब ने बहुत अच्छी बात कही थी बाबा साहब अम्बेडकर ने कि जिस समाज का बुद्धिजीवी वर्ग अपने ही समाज के प्रति बेईमान और भ्रष्ट हो, उस समाज का सत्यानाश करने के लिए दुश्मनों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात बाबा साहब को आज नहीं हुए, उन्होंने वो बात तब लिख दी कि जो सभ्य समाज जो हमारा जो पढ़े लिखे लिटरेट हो गए, आज हम देख रहे हैं कि अनपढ़ और कम पढ़े लिखे लोग जो हैं या जो खेती किसानी से लोग जो जुड़े हुए, आप अखबार के अंदर भी सुबह की खबरें आप पढ़ लो, ये जरूर मिलेगा कि 5 लाख का भरा हुआ थैला किसान ने उसके मालिक को लौटाया। बिल्कुल, 5 लाख का थैला कभी किसी बड़े व्यक्ति को कहीं ना कहीं तो मिला होगा, लेकिन आपने खबर पड़ी कि उस फला बड़े व्यक्ति ने लौटा दिया। इसका मतलब भ्रष्टाचार और जो जीरो टॉलरेंस खत्म करने वाले जो लोग हैं
वो कहीं ना कहीं समाज के शीर्ष स्तर पर बैठा है। तो हमें जो अच्छी शुरुआत यदि हम सब लोग मिलकर ईमानदारी से, यदि सब लोगों की इच्छा हो, तो हमें हमारे अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्य क्या है, हमें कर्तव्य बोध की जो है वो बहुत बड़ी आवश्यकता है। अब आप ये देखिए, अब बच्चों के अंदर भी ये भावना हम भर रहे हैं। आज हर बच्चा ये चाहता है कि क्लास के अंदर कि मैं टॉपर रहूं, और उस चक्कर में आपने अभी आरपीएससी का मामला देखा, कोई पैसे का लेन देन चल रहा है, कोई भर्तियां अटकी है, कहीं पेपर आउट हो गए, तो इसका मतलब है समाज को किस दिशा में लेके जा रहे हैं। और उसके लिए निश्चित रूप से किसी के किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हर आदमी यदि ये कहेगा कि इसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं, तो फिर जिम्मेदार कौन है? इसलिए मैं तो आपके जो चैनल के माध्यम से जो श्रोता जो है जो जुड़े हुए हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा अपने बच्चों को समय निकाल के, हमारी जो जड़ है, क्योंकि पौधा जो है वो जड़ से है, जड़ में आप खाद और पानी डालोगे तभी पौधा विकसित होगा। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बुजुर्गों ने हमें जो संस्कार दिए हैं, जो एक अच्छा साहित्य जो उपलब्ध कराया, वो कभी ना कभी बच्चों को ये मार काट और प्रतिस्पर्धा वाली बातें तो अपने आप सीख लेगा समय के साथ, लेकिन वो सब चीजों से हमें उनको अवगत कराना, उनसे जमीनी जुड़ाव रखना, ये बहुत जरूरी है। हमारे माता पिता ने हमें ये सिखाया कि बेटा 10 कदम आगे चलो ना, तो 2 बार मुड़के भी पीछे देखो कि आपसे पीछे कितने लोग हैं, उनको कहीं उनके और आपके बीच दूरी बहुत ज्यादा तो नहीं हो गई। यदि ज्यादा दूरी हो गई तब आप भी संकट में रहोगे, वो भी संकट में रहेंगे। इसलिए गैप जो बढ़ रहा है, ये निश्चित रूप से ये कोई शुभ संकेत नहीं है देश के लिए। तो ये मैं सब जो श्रोता है उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को आप अच्छा साहित्य भी पढ़ाएं, और हमेशा उनको एक ही चीज के लिए पच नहीं करें, बस तुझे टॉप ही आना है। बिल्कुल, टॉप आना सफलता का परिचय नहीं है। और अभी नारायण जी अच्छे साहित्य की बात कर रहे थे, मैंने हाल ही में एक किताब पूरी की है, सौभाग्य से वो अभी यहीं रखी हुई थी, तो मैं वो आपको गिफ्ट भी करूंगा। ये रामराज्य किताब है, आशुतोष राणा जी की लिखी हुई है, और मेरा मैं आपको तो गिफ्ट करूंगा ये। और बाकी सब लोगों से मेरा निवेदन है कि किताब पढ़ें, क्योंकि इसमें आपको जो किरदार हैं उनके बारे में एक नई परिभाषा मिलेगी। राम जी का राज कैसा था, वो तुलसीदास जी ने जो लिखा, वाल्मीकि जी ने जो लिखा, वो एक अलग विषय है। इन्होंने उसमें से सारगर्भित करके जो सकारात्मक चीज़ें हैं, जो उनके बारे में भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं राम जी के बारे में, या अन्य किरदारों के बारे में, कैकेयी माता के बारे में, रावण के बारे में, या जो शूर्पणखा थी उसके बारे में, तो उन्होंने सभी जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो पुरुष किरदार, उन सबकी अलग अलग विवेचना की है। और उन सबका जो पॉजिटिव सार था, उन्होंने कहा कि रावण का जो क्रोध है, उस क्रोध के साथ साथ ये भी देखें कि उसको वो क्रोध आया कहाँ से। तो हमें उस चीज़ पर रोकने की जरूरत है कि वो क्रोध आया कहाँ से, उस क्रोध को खत्म मत करो, उस क्रोध के जो उत्पन्न होने की जो वजह है उसको खत्म करो। तो काफी अच्छी किताब है, और मैं आपको जब भी मिलूंगा अगली बार तो मैं आपको जरूर किताब दूंगा। देखिए सचिन जी, मैं तो एक बात कहूंगा, कुछ नहीं बदला है। आज भी जो लोकतंत्र है उसके अंदर रावण, राम, शूर्पणखा, आप जो भी किरदार जो सब मिलेंगे आपको, अच्छे लोग भी बहुत है, बुरे लोग भी बहुत है, वो है ना, सब अच्छे लोग भी मिलेंगे। यदि धरती से सारे अच्छे लोग यदि हम ये कहेंगे चले गए हो, तो फिर धरती नहीं बच्चे की, ये भी सही है, ये बुजुर्ग ये क्या है ना, धरती कभी ऐसा नहीं है अच्छे लोग या धरती से विलुप्त हो जाएंगे। हो सकता है हर व्यक्ति जो है वो अच्छी जिंदगी जीना चाहता है, क्योंकि वो ऐसा साहित्य पढ़ रहा है, तो निश्चित रूप से आर्थिक युग है, तो कहीं ना कहीं जो भटकने का मुख्य जो कारण, मैं इसको इसलिए मानता हूँ कि यदि इसको समाज के लोग जो हैं वो इसको सही दिशा में ले जा सकते हैं, कि भाई अच्छे व्यक्ति को पहले गांव का जो चौधरी होता था, जो अच्छे काम करता था वो चौधरी, वो जब जाता था, चाहे ये नहीं वो पैदल जाता या स्कॉर्पियो में आया या बोलेरो में आया, उसको मान सम्मान गाँव के लोग देते थे। तो निश्चित रूप से दूर बैठे व्यक्ति भी सोचता था यार ये चौधरी अच्छा काम करके चौधरी बना तो मैं भी अच्छा काम करूँ। आज इसके उल्टे हो रहा है कि आज बड़ी गाड़ी लेके, चाहे अपराधी है और बड़ी गाड़ी लेके जा रहा है, 2-4 लाख का टेलीफोन, 5-7 अंगूठियां डाल के, बड़ी चेन डाल के, और फिल्म स्टाइल से, तो लोग उसको, कई लोग उसको सम्मान देते हैं। तो निश्चित रूप से जो उस कोने में बैठा व्यक्ति है वो ये सोचता है यार इसने गलत पैसा कमाया तो भी इसको सम्मान मिल रहा है, तो फिर क्यों ना मैं भी गलत कमाऊं। तो ये जो समाज की जो दिशा है वो हम सबको मिलकर तय करनी है। ऐसा नहीं कि राजनीति में बैठे लोग या प्रशासन या कानून से हम समाज को सही कर देंगे, ऐसा नहीं है।
पहले जो पंच पंचायत और पंच परमेश्वर जिसको बोलते थे कि पांच व्यक्ति मिलके जो न्याय करते थे, वो आज के जज जो सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के माननीय जो जज हैं उनसे भी बड़ा बड़ा न्याय वो कर देते, दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। तो इस परिपाटी के बारे में भी हमें सबको मिलकर सोचना पड़ेगा कि हम सबको मिलकर समाज को किस दिशा में ले जाना। एक अकेले प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, एक सांसद, एक विधायक या ब्यूरोक्रेट्स में बैठे हुए कुछ अच्छे लोग, ब्यूरोक्रेट्स में हालांकि बहुत कम अच्छे लोग हैं, इस बात से मैं इनकार नहीं करूंगा। मैं ये बहुत बड़ा जो आज जो सिस्टम जो खराब हो रहा है उसके लिए निश्चित रूप से जो लोकतंत्र के जो तीनों जो पहिए हुआ करते थे, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, उसके अंदर विधायिका कहीं ना कहीं नैतिक रूप से कमजोर भी हुई है, क्योंकि अपने अधिकार की बात सब लोग करते, लेकिन उसके कर्तव्य जो है उनसे वो विमुख होते गए, तो कहीं ना कहीं उनका कद धीरे धीरे कम हुआ। उसके बाद ब्यूरोक्रेसी हावी हो गई, और जब ब्यूरोक्रेसी जब हावी हुई है तब निश्चित रूप से एक आम गरीब आम व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं दुख दर्द वाली बात है, ये शुभ संकेत नहीं है। विधायिका चूंकि एक जनप्रतिनिधि जो होता ना वो सेज भी होता है। मैं आपको बताऊं, एक एमपी और एमएलए को मैंने कई बार देखा है, एक एमपी और एमएलए को आदमी हर किसी अपनी भाषा के अंदर उनको अपनी बात कह सकता है, कलेक्टर को नहीं कह पाएगा, एसपी को नहीं कह पाएगा, क्योंकि उनके लटके झटके और उनका ऐसा एक डेकोरम उन्होंने, एक आवरण उन्होंने बना रखा है। हालांकि अखबारों में आजकल वो छपने लगे, सारे सारे देखो सुबह का अखबार पढ़ते ऐसा लगता है कि देश तो सारा बदल गया और कलेक्टर साहब ने इतने वो काम कर दिए, फोटो रोज अखबारों में कलेक्टर और एसपी की छप रही है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद पता चलता है, अभी आप रोज के अखबार आप पढ़ लो कि जो एससीडी के जो प्रकरण हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो कार्रवाई कर रहा है, कि लाखों करोड़ों की बातें करने वाला ब्यूरोक्रेट 10,000 की रिश्वत लेते पकड़ा जाता, इससे बड़ी शर्मिंदगी और क्या हो सकती है आप बताए। तो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी का हावी होना ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है, लेकिन इसके लिए विधायिका में बैठे वो लोग जिम्मेदार है जो अपने कर्तव्यों को नहीं समझते, जो लोग जिन्होंने नैतिक रूप से जो कमजोर हुए हैं उन लोगों के कारण ब्यूरोक्रेसी हावी हुई है। उसी से जो नीतियां जो ऊपर से बनती है उसका लाभ जो है समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को नहीं मिलता। तो निश्चित रूप से हम सबको मिलके और ये प्रयास करना है, ये लोकतंत्र बड़ी मुश्किल से हमें लोकतंत्र मिला, राजतंत्र था, चाहे वो अंग्रेजों के जमाने की बात करें, देश जब गुलाम था उसके बाद हजारों लाखों नवयुवकों ने, भगत सिंह जैसे महान योद्धाओं ने इस देश को आजाद कराने के लिए क्या क्या नहीं किया, आप सब जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम सब लोग, आज दिक्कत जो सबसे बड़ी है कि हर आदमी ये तो चाहता है कि भगत सिंह पैदा हो लेकिन पड़ोस के घर में पैदा हो, और दादाजी पड़ोस के घर में चले जाएं और मोक्ष मेरे दादाजी को मिल जाए, ये भी नहीं होगा। जिसको मोक्ष मिलेगा ना उसको निश्चित रूप से मरना पड़ेगा, ये रीति है, और रीति के अनुसार यदि इस रीति नीति के अनुसार यदि हम चलेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे समाज की हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कई लोग कहते हैं अब नहीं नहीं अब कुछ सुधर नहीं सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है, सुधार भी हुए कई जगह, कई यदि हम स्टेट्स की बात करें तो सुधार भी हुए। एक बार आप पंजाब को देख लीजिए, जब एक समय था जब पंजाब का युवा बिल्कुल भटक गया था, हाथों में हथियार उठा लिए, लेकिन उसके बाद वापस मुख्य धारा में लौट आए नहीं आए। तो निश्चित रूप से ये सब बातें जो है, एक अच्छे व्यक्ति जो शासन के अंदर आएंगे तो निश्चित रूप से प्रशासन वाले भी अपने आप अच्छे उनको होना ही पड़ेगा, और उसका लाभ जो है वो गरीब लोगों को मिलेगा, समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिलेगा। और इसके लिए मैं अभी कई बार थर्ड फ्रंट की जब चर्चा चलती है तब मैं कई लोगों को उदाहरण भी देता हूँ कि आज बड़ी पार्टियां जो हाशिए पे गई है कि कांग्रेस देश में खत्म होने की कगार पर आ गई, हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बार पूरा उछाल है, ये सही बात है, ये मीडिया की बहुत बड़ी, मीडिया का जो प्यार प्रेम है उनके प्रति वो भी एक कारण मानता हूं मैं, लेकिन पूरे देश के अंदर जो क्षेत्रीय दल जो पनप रहे हैं उसके पीछे लॉजिक यही है कि क्षेत्रीय दल का व्यक्ति जो है उस क्षेत्र की वहां का जो लोकल समस्या क्या है, किस हिसाब की नीतियां बढ़े हैं जिससे हमारा प्रदेश आगे बढ़े, हमारा एक प्रति व्यक्ति जो आगे बढ़े, रेट ऑफ जो प्रति व्यक्ति जो आए वो आगे बढ़े, तो इन सब चीजों पे जो 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 पार्टियां क्षेत्रीय पार्टियां जो बनी है वो उसके अंदर काफी अच्छा रोल भी अदा कर रही है। और मैं तो परमपिता परमेश्वर से यही कामना करता हूँ कि जो हनुमान जी बेनीवाल एक राजस्थान के लिए, देखिए बहुत बड़ी बात है, एक किसान के बेटे ने सबसे पहले नारा दिया व्यवस्था परिवर्तन का। जब आप हनुमान जी का जब जो संघर्ष का लिटरेचर यदि हम पढ़ेंगे तो पहला व्यक्ति ऐसा है जिसने कहा कि मुझे कोई आज ये नहीं मुझे आज मुख्यमंत्री बनना है, मैं ये चाहता हूँ
कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मैं चाहता हूं कि तस्वीर बदलनी चाहिए, एक व्यवस्था परिवर्तन की बात वो कहते हैं हमेशा, अपने भाषणों में भी, अपना जो कार्यक्रम जो चलता है उसमें भी, और व्यवस्था परिवर्तन की बात के लिए मैं आपको कभी आमंत्रित भी करूंगा कि उन्होंने खींवसर विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व किया, आज नागौर जिले का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, आप धरातल पर आकर देखिए जो खींवसर विधानसभा के अंदर उन्होंने जो विकास की, जो लोगों ने कल्पना नहीं की थी उससे बढ़ के उन्होंने जो विकास किया है। आज भी व्यवस्था परिवर्तन का मतलब ये थाना कोर्ट कचहरी न्यायालय या कलेक्टर एसपी के वहां परिवादी यदि जाता है तो उसको सबसे पहले सम्मान मिले, उसको संबल मिले, उसको ढंग से उसकी बात सुनी जाए तो आधी समस्या उसकी खत्म हो गई। ये व्यवस्था में परिवर्तन, और ये व्यवस्था में परिवर्तन जिस दिन होगा उस दिन निश्चित रूप से जो आम व्यक्ति जो है उसका शासन के प्रति इज्जत भी बढ़ेगी, और शासन के प्रति जब इज्जत बढ़ेगी, आज आप देखो कितनी बड़ी बात है, मैं इस कोरोना काल की बात करता हूं कि कोरोना काल के अंदर सरकार अरबों खरबों रुपए लगा के भी लोगों को ये नहीं समझा सकी कि आप 4 मास्क घर से बना लो। सचिन जी हकीकत बात है, इस पर कभी आप, मैं जो कह रहा हूं उसको अदरवाइज मत लीजिएगा। अब हम दो और हमारे दो, ये कल्पना जो हमारी शासन की भी है, प्रशासन में बैठे लोग हैं, इसका मतलब हम दो हमारे दो मतलब 4 ही जने हुए। अब 4 जनों के लिए मास्क जो जीवन जरूरी है, ये लिखते हैं मास्क जरूरी है आपको जीने के लिए, वरना इसके बिना आप जियोगे नहीं, लेकिन वो भी आशा हम करते हैं वो भी सरकार उपलब्ध कराएगी। आपने देखा अरबों रुपए के मास्क खरीद के और सरकार ने लोगों को बांटे, क्या आप 8 मास्क हम घर पे नहीं बना सकते? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शासन में बैठे लोगों के प्रति जो है एक सम्मान की भावना, ये लोगों के दिल और दिमाग में नहीं है, क्योंकि ये दिल और दिमाग में इन्होंने पैदा करने का की कोशिश भी नहीं की इन लोगों ने। इन्होंने ये सोचा कि यदि ये हमारे आप पे विश्वास करने लगे, अच्छा काम यदि हम करेंगे तभी तो विकास, वो विश्वास करेंगे ऐसे कैसे करेंगे, तो जब अच्छा काम कर नहीं रहे तो विश्वास नहीं होगा, और विश्वास नहीं होगा तो ये सारी बातें होंगी जो आप देख रहे हो। कोरोना के अंदर लोग आज कुछ लोग जो है वो आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे, जो रेमडेसिविर का इंजेक्शन है वो 2 लाख 4 लाख तक लोगों ने लूट लिया उसे। इसका मतलब 2 तरह के लोग जो अभी कोरोना के अंदर दिखने में मिले, एक तो वो था व्यक्ति, चाहे वो गरीब था, वो ये सोच रहा था कि ये अंतिम अवसर मेरे लिए सेवा का, हो सकता मैं बचूं नहीं, और उसने अपनी सारी पूंजी से एक भामाशाह बन के और इस देश में के प्रत्येक व्यक्ति को बचाने का प्रयास किया। एक वो व्यक्ति थे जो आपदा में अवसर ढूंढ रहे थे, वो ये सोच रहे थे सब मरेंगे और मैं अकेला जिंदा रहूंगा, इसलिए उसने 500 का इंजेक्शन और 50,000 में बेच दिया। तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं जो वो लोग, उन लोगों को आप या तो समझा नहीं पा रहे हो, या उनके दिल और दिमाग में शासन प्रशासन के प्रति कोई जो उनकी जो जिम्मेदारी जो है, एक लाइबिलिटी उनकी जो एक नैतिक कर्तव्य जो है उनका, उन आप लोगों ने कभी उनको पाठ पढ़ाया नहीं। आज बच्चा जब पैदा होता है तब से लेके और जब बालिग होता है, जब देश के काम आते आते जब वो अंतिम समय जब होता है तब तक हमेशा अपने अधिकार की बात करता है। तो अब ये समय जो है ना कि मैं इसको, मैं मेरा निजी विचार है ये कि हमें अधिकार की बात करना चाहिए, अच्छी बात ये अधिकार की बात वो करता है जो सजग होता है। अधिकार का बात करने का मतलब कि आप समझदार हो गए, लेकिन नैतिक कर्तव्यों की बात करना ये इस ओर इंगित करता है कि आप न केवल समझदार हो बल्कि आप एक समाज की जो परिकल्पना है। आज जब बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो भारत के अंदर सबसे पहले ये चीज उसको सिखाई जाती है कि मानव एक सामाजिक प्राणी है, मतलब अकेला मानव जी नहीं सकता, ये चीज उसको समझाई जाती है। लेकिन अब पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई, अब आप देख रहे हो आप बच्चे जो है सुसाइड करने लगे, छोटी सी बात में परिवार बिखर गए, ये कहां से आया? ये रोग जो है, ये रोग लोनलीनेस जिसको हम बोल रहे हैं, अकेलापन, जो आज हम यदि अध्ययन करें अमेरिका जैसे विकसित देशों का, वहां का आंकड़ा सबसे टॉप पे चला गया कि आत्महत्याओं के केस बढ़ रहे हैं। वो किस लिए बढ़ रहे हैं? कि सामाजिकता नहीं रही उनके। आज जब समाज बड़े, जब बड़े परिवार होते थे लोगों में सामाजिकता की भावना थी, और जब दादाजी के सामने व्यक्ति जब जाता था और एक बेटा उनका उदास होता था तो वो सब मिलकर पूछते थे, किसी के चाचा लगता था, किसी के ताऊ लगता था, कि चाचा उदास कैसे हो आप बताओ। इसका मतलब उसको ये लगता था कि मैं उदास जरूर हूँ, मेरे को बहुत बड़ी परेशानी जरूर है, लेकिन वो एक पिक्चर आई ना जिसमें वो गले मिलकर कहते हैं ऑल इज वेल, मैं हूं ना, मतलब एक उसको भरोसा, उस दादा का उसको भरोसा मिलता था,
वो एक सामाजिकता की बात थी, उससे समाज भी आगे बढ़े। एक व्यक्ति जो है कभी हमने जब हम जब बच्चे थे या आज से 30 साल पीछे यदि हम चले जाएं तो आत्महत्या के लिए लोग आत्महत्या के बारे में लोग नहीं जानते थे। आज आप अखबार खोलो सबसे पहले जो है कलेक्टर का बेटा सुसाइड कर गया, मंत्री का बेटा सुसाइड कर गया। आखिर क्यों? क्योंकि उनको एक सामाजिकता जो है उसका पाठ हम लोग नहीं पढ़ा पा रहे हैं जो अति आवश्यक है। देखिए मनुष्य तो मनुष्य रहेगा, चाहे वो चांद पे चला जाए चाहे वो पाताल लोक में चला जाए, मनुष्य जो है ना वो मनुष्य ही रहेगा। क्योंकि जेनेटिक्स जो है उसको हम कभी नहीं बदल पाएंगे। जब विज्ञान ये कहती है और हमारे धर्मशास्त्र जो ये सब कहते हैं, क्या हो सकता है धर्मशास्त्र को कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर दी? अब मैं आपकी इस बात में एक बात और जोड़ना चाहूँगा। जो आपने परिवार की बात की तो मुझे लगता है कि परिवार में होना से ज़्यादा बेहतर है परिवार के साथ होना। आप परिवार के साथ मानसिक रूप से किस स्थिति में है वो ज़रूरी है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले जॉइंट परिवार होता था तो सबकी समस्याएँ थी और सबकी खुशी थी। अगर कोई एक आदमी अगर परेशान भी है और अगर 10 लोग खुशी में है तो वो उनको देख कर खुश हो जाता था कि ठीक है अपना गम भूल जाओ, खुद के लिए जिए तो क्या जिए जिंदगी, गैरों के लिए जिए तो सही बात। तो वो उस तरीके का फिलोसफा था। अब भी थोड़ा सा बदल रहा है, समाज भी बदल रहा है, लोग भी बदल रहे हैं, पुराने लोग रहे नहीं है और नए जो लोग हैं वो इस आधुनिकीकरण में इतने व्यस्त हो गए हैं कि वो भूल गए हैं कि परिवार क्या है। आजकल पत्नी भी कमाने जाती है, पिता भी कमाने जाता है, बच्चे भी भाई भी सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं, सबके घंटे फिक्स हैं, सबको एकांत भी चाहिए। जिसको आप जो पाश्चात्य संस्कृति की बात कर रहे हो कि हमें सोशलिज्म नहीं, हमें खुद का पर्सनलिटी डेवलपमेंट करना है, अपने आप को पर्सनल टाइम देना है, पर्सनल स्पेस क्रिएट करना है, ये सब उस तीन चीज़ों के नुकसान भी हैं। और आपने जो कर्तव्य और अधिकार की बात की तो हमारे संविधान भी हमको पहले हमारे कर्तव्य बताता है फिर हमें हमारा अधिकार गिनाता है। क्या आप पहले अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो उसके बाद फिर आप अधिकार लेकर आओ? बताता जरूर है सचिन जी, लेकिन आपने जो इसके लिए मैं उदाहरण दूंगा, जैसे बीमे की जो पॉलिसी आती है ना जी, उसके एडवर्टाइज को आप ढंग से सुनना, उसमें पूरी बता गए, फिर वो टर्म्स एंड कंडीशन को इतनी जोर से बताता है वो आप समझ नहीं पाते। यही हालात कर्तव्यों की हो रही है। उसमें क्या जो मुख्य जो चीज में जो फोकस होना चाहिए ना उस पर कहीं ना कहीं फोकस नहीं हो रहा। हर व्यक्ति ये चाहता है कि समाज के साथ रहूं। मेरी देखिए जीवन को आप जितनी अपेक्षाएं बड़ी रखोगे आप तो निश्चित रूप से सोचो आप, मैं कोई हालांकि मैं साधु संन्यासी नहीं हूं लेकिन ये हकीकत बात है कि आप यदि अपेक्षाएं अपनी बड़ी रखोगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सोचना पड़ेगा। आप यदि उस उतना नहीं कमा पा रहे हो तो अपराध के अंदर भी व्यक्ति जा रहा है। आज का युवा अपराध में क्यों जा रहा है कि उसकी अपेक्षाएं बड़ी हो गई, वो चाहता है कि मैं भी 5,000 की डिस्को में जाऊं। हम तो हमारे बच्चों को यही कहते हैं, हम ये शिक्षा भी देते हैं उनको, लेकिन अब समय के साथ थोड़ा बदलाव भी है, बदलाव भी जरूरी है। एक्चुअल में जो अर्थ का जो है अर्थ आपको जो प्राप्त हो रही है उसके साथ साथ आपका मेंटल लेवल यदि बढ़ गया, शिक्षा का जो क्षेत्र बढ़ गया तो आदमी क्या उसको पचा जाता है। अब आदमी की पाचन शक्ति कमजोर हो और आप उसको कोई एकदम गरिष्ठ भोजन करा दो तो एसिडिटी होगी उसको। ये एक अधिकतर जो घटनाएं जो हो रही है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि लोगों का जो मानसिक स्तर जो है वो उतना बढ़ नहीं पाया, शैक्षणिक स्तर जो है उतना बढ़ नहीं पाया और आर्थिक स्तर है वो खुदा न खास्ता कहीं लॉटरी भी लग जाती है। आप देखते हो मैं पढ़ता हूँ सुबह जेब कोर्स है $200, $2 करोड़ उसको प्राप्त हो गए तो वो आर्थिक रूप से संबल हो गया लेकिन न उसका मेंटल लेवल बढ़ पाया न वो उसका जो शैक्षणिक स्तर बढ़ पाया तो देश दुनिया के बारे में उसको ज्ञान नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब ट्रैक्टर चलाने वाले व्यक्ति को एकदम ही कह दो तुझे मर्सिडीज चलानी है तो कहीं ना कहीं देखो एक्सीडेंट की प्रबल संभावना है उसमें होगी। वो धीरे धीरे कोशिश करे ना कि आज मुझे संपन्नता मिले ट्रैक्टर से मैं बोलेरो लाऊं फिर मैं फॉर्चुनर चलाऊं फिर मर्सिडीज के बारे में सोचूं मैं तो निश्चित रूप से अच्छा जीवन भी जिएगा और आगे भी बढ़ेगा। लेकिन हो इसके उल्टा रहा कई जगह और उसके दुखद परिणाम आप अखबारों में रोज पढ़ी रहे हो। बच्चों के अंदर जो क्राइम तेजी से बढ़ रहा है, ऑनलाइन ठगी आप देख रहे हो, इसका इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि अपेक्षाएं जो है ना वो लोगों की बहुत आगे बढ़ गई। क्योंकि जो हम समाज के लोग हैं हम भी दोषी हैं उसका, आप और हम सब इसके अंदर, मैं किसी एक व्यक्ति को दोषी नहीं मानता, समाज का
हर व्यक्ति इसके लिए दोषी है कि हम आर्थिक जो जो गुण अवगुण पे जो चर्चा करते ना, तो उसको अर्थ को बीच में ले आते हैं और वो अंतत्व जो है वो कहीं ना कहीं आम व्यक्ति के लिए घातक है, ये मेरा मानना है इस बारे में। बिल्कुल आपकी सोच एकदम सही। और बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं दो महिलाएं आपके जीवन में जिनका एक खास बेहद मैं रोल का मतलब वो जीवन है आपके जीवन में, उनका भी एक जीवन है। आपने माता जी के बारे में तो बताया है कि कोई भी मेहमान अगर आ गया घर में या कोई भी प्रात थी अगर कोई आ गया तो वो भूखा नहीं जाता था घर से। और दूसरी जो महिला है वो आपकी पत्नी है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा चाहूँगा कि हम सब जाने उनके व्यक्तित्व को, उनके बारे में कि उनका आपके आपका जो व्यक्तित्व का निर्माण है वो कितना निखर के आया है उनकी संगत के बाद में। देखिए वैसे तो मैंने पहले कह दिया था हमारा संयुक्त परिवार है और संयुक्त परिवार की सारी महिलाएं, वो चाहे भाभी हो, मेरी जो माता तुल्य है भाभियाँ हैं, मेरी मिसेज है, छोटे भाइयों की बहू है, लेकिन मान सम्मान जो हर स्तर का जो है, आज भी आप इस बारे में सोच नहीं पाओगे मेरी मिसेज जो है वो नेट किया हुआ है, पीएचडी है, वो आरएस है, वो सहकारिता के अंदर वो अलाइड सर्विस में सर्विस करती है। लेकिन आज भी जब गांव में कोई कार्यक्रम होते हैं या कोई सामाजिक समारोह होता है तो हालांकि कुछ लोग जो ज्यादा पढ़ लिख लिए वो कहते हैं घूंघट प्रथा जो है वो बुराई है, लेकिन आज भी जब जाते हैं हम लोग गाँव में तो निश्चित रूप से घूंघट निकाल के जाएगी। हम भी इस चीज के हालांकि कोई वैसे पक्त नहीं, लेकिन व्यक्ति जो है आज जो हमारा समाज की जो अवधारणा है, हमारे जो बुजुर्गों ने समाज की जो मूल अवधारणा है जो बनाई, उसमें एक छोटी सी बात आपको मैं बताऊंगा कि हम एक बार सफर कर रहे थे मेरी मिसेज और मैं, और हावड़ा ट्रेन जो है वो जयपुर से नागौर से चल के और जयपुर होते हुए हावड़ा जाती है। तो जब हम शादी के बाद, ये बात 2004-05 की बात है, तब जब हम ट्रेन में बैठे तो उधर से कुछ बुजुर्ग जो हमारे गांव के आसपास के रिश्तेदार जो थे साफे वाले बुजुर्ग वो भी आ रहे थे, तो राम राम हुई उनसे और वो पास में बैठ गए तो मेरी मिसेज ने घूंघट निकाल लिया। तो फिर यूं रस्ते में बातचीत हुई तो बोले ये हमारे रिश्तेदार हैं तो घूंघट तो जरूर निकालना है, ये हमारी परंपरा भी है। और ये कोई देखिए फोर्सली आप कुछ मत करो समाज के अंदर, इसके मैं खिलाफ कि आपको फोर्सली करना है, लेकिन आपको यदि जैसे हम भी जाते हैं कई बार गांव में विधानसभा में जाते हैं, अक्सर लोग हमें पूछते हैं यार हनुमान जी भी जींस और शर्ट पहनते थे, आप भी जींस और शर्ट पहनते हो, बाकी नेता जो है वो सफेद खदर के कुर्ते पजामे में आते हैं। तो हमने कहा नेवर फॉलो द क्राउड, आपको भीड़ के पीछे नहीं चलना, आपका आपको जो अच्छा लगे, कोई किसी कोई थोपे ना। अब हमें हम कभी सफेद कुर्ता पजामा पहने तो मन के अंदर ऐसा लगता है किसी ने थोपा जबरदस्ती, और जबरदस्ती थोपी हुई चीज अच्छी नहीं लगती। तो हावड़ा स्टेशन पे जब हम उतरे तो यहाँ से क्या बिहार के मजदूर लोग जो वो ज्यादा यहाँ से चढ़ते हैं और वो चलती ट्रेन के अंदर ही है ना, जैसे ट्रेन तो रुकेगी उसे 300 मीटर पहले से चढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो जो मुख्य जो दरवाजा है ट्रेन का डिब्बे का उसमें ऐसी जाम की स्थिति लग जाती है कि उतरने वाला उतर ही नहीं पाता। तब वो जो बुजुर्ग जो बैठे थे हमारे 6-7 जो थे, उन्होंने एक सुरक्षा दीवार बनाकर कहा पहले हमारी बहू को उतारो। ये मतलब हकीकत बात है कि इस चर्चा को कई बार हम जब बैठते हैं तो ये चीज कई बार इसकी चर्चा भी होती है। देखो उस घूंघट का फायदा क्या हुआ, मतलब हमारे एक सभ्यता और संस्कार जो थे उसका फायदा यहाँ हमें हुआ कि उन्होंने ये सोचा कि भाई हमारे कहीं ना कहीं एक सामाजिक सिस्टम है, इसने जब हमारा मान सम्मान किया तो इनको भी एक सुरक्षित तरीके से डिब्बे के नीचे उतारे, वो उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। अब हम ये अधिकार समझ लेते हैं कि हम क्यों, क्या हमें आवश्यकता है, रिश्तेदार हो चाहे बुजुर्ग, हमें क्या करना, हम तो हमारे हिसाब से जिएंगे, तो हम उन बिहारी मजदूरों को धक्के भी खाने पड़ते हैं। निश्चित रूप से हमारी जो सभ्यता संस्कृति जो हमारे जो नियम बनाए हुए हैं उस पर हम चलेंगे तो कहीं ना कहीं हमें हम आगे भी बढ़ेंगे और एक दिल में एक सुकून भी मिलता है कि एक जो इंटरेक्टिव जो बात है वो भी हमें देखने को मिलती है। महिलाएं जो है वो हमारे परिवार की सारी देखिए सेवा भाव में है, क्योंकि जैसा माहौल आप देखते हो तो उसके अंदर माहौल में ढलने का प्रयास हर व्यक्ति करता है, जो ढल जाता है वही सुख पाता है। तो आज भी महिलाएं जो है अच्छी शिक्षा भी देती है, हम तो
परमपिता परमेश्वर से ही हमेशा ये अरदास भी हमेशा ये करते हैं कि भाई हमारे अंदर ऐसी भावना जो है वो आप हे प्रभु, ऐसी भावना आप हमारे दिल और दिमाग में रखना कि एक समाज के अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है उसका आंसू पहुंचने का हम जो प्रयास करें उसमें कहीं ना कहीं सफल हो। बिल्कुल नारायण जी, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपके प्रयासों को सफल करे। और आपने अभी जो घूंघट प्रथा की बात की, तो मैं हम लोगों को जो देख रहे हैं लोग, मैं उन सबको बता दूँ कि जो घूंघट प्रथा जो पुरानी थी उसका जो उद्देश्य होता था, उसका उद्देश्य था कि औरत को बाहर ना निकलने दिया जाए, औरत को घर का कैदी बनाकर रखा जाता था, उसे घर के काम कराए जाते थे। अभी जो व्यवस्था जिसकी बात नारायण बेनीवाल जी कर रहे थे, वो घूंघट प्रथा, घूंघट है वो आठ है, उसे मैं घूंघट प्रथा का नाम नहीं दूंगा, वो ओट है जिसे हम लोग जब भगवान को भोग लगाने जाते हैं तो भी हम सर पर कुछ डालते हैं ताकि भगवान हमें उस रूप में ना देखे, हम भगवान हमारा सम्मान नहीं है। तो इसी प्रकार जो घर की औरतें होती हैं या हम लोग होते हैं, जब भी हम लोग हमारे किसी बड़े से मिलते हैं तो आपने देखा होगा कि कोई भी छोटा किसी बड़े के सामने पगड़ी नहीं पहनता, क्योंकि वो उस बड़े का सम्मान है कि वहाँ जो पगड़ी है वो उसका उच्च स्थान है। तो इसी प्रकार से हमारा जो रूप है वो हमारे बड़ों के सामने नगण्य है, हम उसके सामने उसे झुकते हैं, उसे छुपाते हैं। ये उसके जो पीछे की जो फिलोसफी है वो इस प्रकार की थी, और जो काफ़ी पहले जो था कि वो अब समाप्त हो चुकी है, वो किसी परिवार में मेरे हिसाब से आज के समय में काफ़ी दुर्लभ है देखने को मिलने में। और आपने जो बताया कि मैडम RAS हैं और सहकारिता विभाग में हैं, ये आपके संस्कार हैं, आपके बड़ों के संस्कार हैं जो आपसे आए और आपसे उन्होंने उनको उद्धृत किया और उसका बखूबी पालन भी कर रहे हैं। मुझे आज के कार्यक्रम में आपसे मिलके, आपसे बात करके एक क्षण के लिए लगा कि आप एक क्षेत्र में इतना बड़ा प्रभुत्व रखते हैं, आपकी बोली की जो मिठास, आपका जो सादगी भरा व्यवहार है, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। और एक बार आप चर्चा शो में आपको कैसा लगा आप बताएं, फिर हम कार्यक्रम के बहुत अच्छा लगा। मैं आपसे ये, आप चूंकि मेरे से छोटे हैं तो ये सीख भी मैं दूंगा आपको कि ऐसी चर्चाएं जो है ये जरूरी है। और जब तक, क्योंकि व्यक्ति का जो मैंने पहले भी कहा था, व्यक्ति का जो व्यक्तित्व का निर्माण होता है, आप टीवी पे क्या देख रहे हो, बीच में मेरे बड़े भाई साहब जो अभी है नहीं इस दुनिया में, स्वर्ग में चले गए, राम प्रसाद जी, वो एक बात हमेशा जब हम दोनों भाई जब बैठते थे तो वो एक बार बीच बीच में जब जो टीवी के ऊपर जो सीरियल आते थे, आप देखा कि जब उधर से कोई सासू माँ आ रही है तो पीछे से कोई चील की सी आवाज आ रही है, आपने देखा होगा, उससे आप अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते। तो मैं तो आपसे ये निवेदन भी करूंगा और आप छोटे बड़ौन भी दूंगा आपको कि आप चूंकि किसान परिवार से जुड़े हो, सारी भावनाओं को समझते हो, तो हमें हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसको हमारे संस्कार उनके अंदर कैसे जाए, तो अपने जो चित चर्चा का जो भी कार्यक्रम हो उसके अंदर कहीं ना कहीं कभी कभी जब भी आपको समय मिले, जैसे कोई अच्छा एक अलग अलग जो सेक्टर जो है उनसे, चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का हो, चाहे पॉलिटिक्स का हो, अच्छे व्यक्तियों से रूबरू लोगों को आप करवाएं और कभी आपसे मिलके और भी हम आपको जो, चूंकि आप छोटे हो तो कुछ ज्ञान जो हमारे अंदर है वो हम ये प्रयास करेंगे आपको दें और इस परिपाटी को आप और सेवा की जो भावना है उसको आप एक आम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और मां शारदा से ये निवेदन, ये अरदास करता हूं, आपके कंठों में हमेशा विराजमान रहे, क्योंकि सरस्वती जब कंठों में विराजमान रहेगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि आजकल टीवी चैनलों पर देख रहे हैं जो जो कार्यक्रम का जो होस्ट होते हैं, हमें यूं लगता नहीं है कि वो खुद पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, वो ब्रेन स्ट्रोमिंग जो हो रही है इसके अंदर, मतलब आप उसके दिमाग पे वो करके जबरदस्ती रूप से कोई बात उबलवाना, फिर उसको वो करना, TRP बढ़ाने के चक्कर कैसा भी बिल्कुल। तो हम लोगों ने पहले ही, जैसे हमारी पहले ही बात हुई थी, हमारा कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, जो नारायण जी ने कहा कि जो भी बात होगी वो आप बिल्कुल खुलकर पूछें, मैं जवाब दूंगा, कुछ ऐसा हमारा बात बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे, ये शो जो आपने शुरू किया है, मैं तो परमपिता परमेश्वर से ये कामना करता हूँ जल्दी YouTube भी नहीं, उस पर जितना जो भी वो हो चैनलों तक सब पे आप आओ और अपने ज्ञान से लोगों को आप जागृत भी करो और अधिकारों के साथ साथ उन पर कर्तव्य बोध की बात है वो आप हमेशा
अपने मुखारविंद से जरूर कहें ताकि आपको सुन के और कोई व्यक्ति जो है अपने आप को बदलने का प्रयास करें, तब हम और आपकी चर्चा की सार्थकता होगी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं नारायण बेनीवाल जी ने जो मुझे सुझाव दिए मैं उन पर पूरा खरा उतरने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बताऊं कि हमने इससे पहले धार्मिक क्षेत्र में भी बात की है, हमारे संस्कारों को लेकर भी एक दो दिन हमने एपिसोड किए हैं। नई पीढ़ी किस प्रकार से कैरियर में आ सकती है, हमने उस पर भी बातचीत की है लोगों से, कैसे पुराने जो हमारे शास्त्र वगैरह हैं उनके बारे में हम लोगों ने एपिसोड किए हैं, नई जो टेक्नोलॉजीज हैं उनके बारे में किए हैं, पंचांग के बारे में हम लोग डेली लोगों को अपडेट करते हैं कि आज का जो पंचांग है, क्योंकि लोगों को सुने बहुत दिन हो गया, पहले तो आप और हम लोग दूरदर्शन पर सुनते थे सुबह सुबह आज के दिन के बारे में क्या तिथि है, रेडियो पर सुनते थे, अभी लोगों के लिए मुश्किल हो गया। आजकल लोग सुबह उठते पहले मुन्नी को बदनाम कर देते हैं या शिला को जवान कर देते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो सब ना हो, सुबह सुबह लोग भगवान के बारे में सुने कि आज हमारी कौन सी तिथि है। लोगों को पता नहीं है कि विक्रम संवत क्या है, क्यों विक्रम संवत है, बस लोगों को ये पता है कि 2021 है। तो हम लोग चाहते हैं कि वो जो हमारी पुरानी रीतियाँ हैं वो थोड़ी सी लोगों को रिवाइव हों, लोगों का उनमें इंटरेस्ट आएगा तो हो सकता है कि वो उसे पढ़ें, उसे बातें या जो भी अपने हिस्से का प्रयास है वो करें। मैं मुझे आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और मैं आप सभी लोगों से जो हमको देख रहे हैं इस समय, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के लोगों से जरूर मिलें, उनकी बातें जरूर सुनें जिन्होंने समाज से हटकर कुछ अलग किया और समाज के लिए किया, क्योंकि समाज से हटकर कार्य तो बुरे लोग भी करते हैं, वो चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, पर उससे समाज का भला नहीं होता। तो उन लोगों से जरूर मिले जो समाज से हटके काम करें लेकिन समाज को समर्पित होकर कार्य करें। नारायण बेनीवाल जी ऐसी एक शख्सियत है जिनसे हमने आपको आज मिलाया, इसी प्रकार की और शख्सियतों से हम आपको मिलाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।